इंडिया यूट्यूब चैनल स्पॉन्सर्ड बाय मक्खन मार के और मैं हूं आपका शेफ आशीष। आज हम बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाने वाले हैं जिसका नाम है वेज मंचूरियन। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे चलते हैं रेसिपी में। वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए जिंजर, बीन्स, कैरेट, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ग्रीन चिली, थोड़ा मैदा, थोड़ा कॉर्नफ्लावर और थोड़े अपने स्पाइसेस। चलो अपना चालू करते हैं बनाना। पहले हम अपनी वेजिटेबल्स लेंगे। हमने चॉप कॉलीफ्लावर ली है, चॉप कैबेज ली है, एक एक बोल है, हाफ बोल ऑफ बीन्स का हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, कैरेट डाल रहे हैं हम फ्रेशली चॉप। फ्लेवर के लिए हम थोड़ी जिंजर ऐड करेंगे, जिंजर भी हमने चॉप करी हुई है। हल्की चिली रख सकते हैं आप, तो हमने चॉप चिली ऐड कर रहे हैं। इसको पहले हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अभी हम इसके अंदर नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही नमक ऐड करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। इसके अंदर हम अपना ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बहुत ही लिमिटेड मसाले रहते हैं। ब्लैक पेपर हमने ऐड करा है, वाइट पेपर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते, पर मैं फ्लेवर के लिए डाल रहा हूँ। अब बिल्कुल ही हल्का मैं सॉल्ट डाल रहा हूँ और एक बार इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर और मैदे से इसको बाइंड करेंगे। इसके अंदर हम अराउंड 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के और 1 चम्मच मैदे का ऐड करेंगे और अब हम इसको मिला लेंगे। देख सकते हैं हमने इसके जो मिक्सचर बनाया था उसको ऐसे हाथ में लेना है क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी या काफ़ी अच्छी होगी मिक्सचर की, तो आप हल्के हाथों से भी इसको करेंगे तो नॉर्मली ही ये राउंडल शेप में आ जाएंगे। अब हम इसको धीमी आंच पे ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, हम इसके अंदर अपने मंचूरियन बॉल्स डाल के इनको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये हमारे अच्छी तरह लगभग ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर निकालते हैं और इसकी सॉस बनाते हैं। साथ में हम मंचूरियन की एक जल्दी से एक सॉस बना लेते हैं। हमने थोड़ा डाला इसके अंदर ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल को हमें ये ध्यान रखना है, हमने क्योंकि चाइनीज़ बना रहे हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाइनीज़ आपने देखा होगा वो हमारी हमेशा गर्म रहती है। इसके अंदर हम डालेंगे चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर और इसको हल्का सा स्वेट करेंगे। हमेशा कलर चेंज नहीं होने देना, इसको बस स्वेट करना हमें। थोड़ा सा मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, अभी स्टार्टिंग में खाली फ्लेवर देने के लिए मैंने स्प्रिंग अनियन ऐड करा, बाद में मैं ढेर सारा स्प्रिंग अनियन इसके अंदर ऐड करूँगा। अब इसके अंदर मेरे पास शेजवान सॉस है, आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, चिली पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जितना स्पाइसी चाहिए उतना आप यूज़ करिए। अब मैं इसके अंदर टमाटो केचप डाल रहा हूँ हल्का सा। इस स्टेज में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऐड करना है मैंने। अब मैं इसमें थोड़ी सी सोया सॉस एंड बिल्कुल हल्का सा विनेगर, विनेगर ज़्यादा नहीं, मुझे खट्टा नहीं करना इसको। इसके अंदर मैं अपने जो मैंने मंचूरियन बनाए हुए थे वो मंचूरियन मैं इसमें डाल रहा हूँ। आपने देख लिया वेज मंचूरियन बनाना बहुत ही आसान है, आप आराम से अपने घर पे बनाइए। आप थोड़ी ग्रेवी बनाएंगे तो एक तरह से वेज मंचूरियन ग्रेवी हो जाएगी। इसी में आप चाहे तो और वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, तो अपने बच्चों के लिए बनाइए, पेरेंट्स के लिए बनाइए, इन लॉज के लिए बनाइए, खुद के लिए बनाइए एंड डू एंजॉय दैट। एंड हमारी रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट करके बताइए कुछ और तो नहीं सीखना चाहते हैं। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।